हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टैंडर्ड 7 का ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 3 टाइड इसके क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। इसमें हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं। प्रिपेयर ए चेन बाय मैचिंग द फॉलोइंग। इसमें ग्रुप ए बी सी दिया है, उनको हमें मैच करते हुए यहाँ पे चेन बनानी है। ग्रुप ए में है वेव्स, ग्रुप बी में है वाइंड और सी ग्रुप में आएगा दीज आर ऑल्सो जनरेटेड ड्यू टू अर्थक्वेक एंड वोल्केनोज। ए ग्रुप में है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, रोटेशन ऑफ द अर्थ एंड ऑब्जेक्ट गेट थ्रोन टुवर्ड्स द आउटर साइड। ग्रेविटेशनल फोर्स द मून द सन एंड अर्थ ऑपरेट्स इन द डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। स्प्रिंग टाइड न्यू मून डे बेस्ट हाई टाइड ऑकर ऑन दिस डे। नीप टाइड एट फेज ऑफ द मून क्वार्टर। द फोर्स ऑफ द सन एंड द मून ऑपरेट इन डिफरेंट डायरेक्शन। क्वेश्चन नंबर 2 है यू ज्योग्राफिकल रीजन। इसमें फर्स्ट है टाइड आर इन्फ्लुएंस मोर बाय द मून देन द सन। द फर्स्ट है कंपेयर टू द सन द मून इज क्वाइट क्लोजर टू द अर्थ। एज इट्स इफेक्ट ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ द मून बिकम मोर इफेक्टिव देन दैट ऑफ द सन। इसीलिए मून का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अर्थ पे ज्यादा इफेक्ट करता है सन के कंपेयर में। देयरफॉर टाइड आर इन्फ्लुएंस मोर बाय द मून देन द सन। सेकेंड क्वेश्चन है एट द सेम प्लेस अलोंग द कोस्ट द लो लेइंग एरियाज टर्न इनटू लैगॉन्स और मार्शी लैंड। इसका आंसर है सम ऑफ द एरियाज अलोंग द सी कोस्ट दैट आर लो लेइंग गेट फ्लोडेड इजीली बाय द सी वाटर ड्यूरिंग हाई टाइड। हाई टाइड की वजह से सी वाटर का जो एरिया रहता है कोस्ट एरिया वो इजीली फ्लोडेड हो जाता है। सेकेंड है This process lead to gradual deposition some seawater and sediments in the low lying areas over a period of time. The accumulation of seawater lead to the formation of swamps. Third point A, in this way at same place along the coast the low lying areas turn into lagoons or marshy land. यही reason है उसकी वजह से वो land marshy हो जाती है, lagoons हो जाती है। क्वेश्चन 2 उसमें 3 है प्लेस लोकेटेड ऑन द अपोजिट मेरिडियन टू द प्लेस एक्सपीरियंसिंग हाई और लो टाइड विल ऑल्सो एक्सपीरियंस हाई और लो टाइड रिस्पेक्टिवली। मेरिडियन के अपोजिट साइड में हाई और लो टाइड एक्सपीरियंस हो जाती है, ऐसा क्यों? उसका आंसर है द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून एक्सीड द अर्थ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स व्हेन अ पर्टिकुलर प्लेस लोकेटेड ऑन पर्टिकुलर मेरिडियन फेसेस द मून। एज इट्स इफेक्ट द वाटर इज पुल्ड टुवर्ड्स द मून। उसकी वजह से वाटर मून के टुवर्ड्स पुल होता है। एट द सेम टाइम एट एंटीपोडल लोकेशन ऑन द अपोजिट मेरिडियन द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ द अर्थ एक्सीड्स द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द मून। द वॉटर इज पुल इन द डायरेक्शन अवे फ्रॉम द मून। दिस कॉज हाई टाइड एट टू प्लेसेस व्हेन देयर इज अ हाई टाइड एट 0 डिग्री मेडियन द 180 डिग्री मेडियन ऑल्सो एक्सपीरियंस हाई टाइड। इसी की वजह से दोनों साइड में अपोजिट डायरेक्शन में हाई टाइड सेम टाइम पे एक्सपीरियंस होती है। थर्ड पॉइंट है द वॉटर रिक्वायर्स फॉर द हाई टाइड्स मूव इन फ्रॉम द प्लेस ऑन द टू अपोजिट मेरिडियन दैट आर एट राइट एंगल टू दिस हैविंग हाई टाइड्स कॉजिंग लो टाइड एट दोस प्लेसेस। दस प्लेस लोकेटेड ऑन द अपोजिट मेरिडियन टू द प्लेस एक्सपीरियंसिंग हाई और लो टाइड विल ऑल्सो एक्सपीरियंस हाई और लो टाइड रिस्पेक्टिवली। 7 AM फाइंड द टाइमिंग ऑफ द नेक्स्ट हाई एंड लो टाइड ऑन द सेम डे एट द गिवन प्लेस। तो इसका आंसर है इफ देयर इज अ हाई टाइड एट 7 AM द नेक्स्ट लो टाइड विल बी एट 1:12 PM। हाई टाइड के बाद लो टाइड 6 hour and 12 minute के बाद होगी उसके एंड द नेक्स्ट हाई टाइड विल बी एट 7:25 PM आफ्टर 12 hour and 25 minutes। सेकेंड है इफ एट मुंबई 73 degree ईस्ट मेरिडियन देयर इज अ हाई टाइड एट 1 PM ऑन थर्सडे देन ऑन विच अदर मेरिडियन विल देयर बी हाई टाइड टू स्टेट विथ रीजन। यहाँ पे मुंबई 73 degree ईस्ट मेरिडियन देयर इज हाई टाइड एट 1 PM है। हाई टाइड कहाँ पे होगा ये हमें यहाँ पे रीजन के साथ बताना है।
आंसर है इफ एट मुंबई 73 डिग्री ईस्ट मेरिडियन देयर इज अ हाई टाइड एट 1 PM ऑन थर्सडे देन एट 107 डिग्री वेस्ट मेरिडियन टू देयर विल बी अ हाई टाइड उस टाइम 107 डिग्री वेस्ट मेरिडियन के वहां भी हाई टाइड रहेगी और उसका रीजन है अ प्लेस ऑन द अर्थ लोकेटेड एट द अपोजिट पॉइंट ऑफ द प्लेस एक्सपीरियंसिंग हाई और लो टाइड ऑल्सो एक्सपीरियंस हाई और लो टाइड रिस्पेक्टिवली एट द सेम टाइम. क्वेश्चन 3 में 3 है एक्सप्लेन द रीजन फॉर जनरेशन ऑफ वेव. वेव जनरेशन का रीजन क्या है एक्सप्लेन करना है. द मेन रीजन ऑफ वेव जनरेशन इज वाइंड. वेव वाइंड की वजह से जनरेट होती है बट एट टाइम ड्यू टू अर्थक्वेक और वॉल्केनिक इरप्शन अकरिंग बिलो द फ्लोर ऑफ द सी वेव्स गेट जनरेटेड. और एक रीजन है अर्थ सी वाटर के बिलो जो फ्लोर है वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से एंड अर्थक्वेक की वजह से भी वेव जनरेट हो जाती है. क्वेश्चन 4 है इन व्हाट वे विल द फॉलोइंग डिपेंड्स ऑन द टाइड. ये अदर टाइड पे कैसे डिपेंड है यानी कि स्विमिंग टाइप पे कैसे डिपेंड है. वी मस्ट हैव द एडिक्वेट इंफॉर्मेशन ऑफ टाइमिंग ऑफ द टाइड व्हाइल एंटरिंग द सी फॉर स्विमिंग. लो टाइड कैन पुल द स्विमर डीप इन द सी. Unknowingly swimming in the deep sea during tide can lead to serious accident. During high tide, it is always safe to swim in shallow water near coast. तो यहाँ पे हमें अगर स्विमिंग करने जाना है सी में तो हम ऑलवेज हाई टाइड के टाइम स्विम करने जाएंगे क्योंकि अगर हमें टाइम की इंफॉर्मेशन गलत मिली हम सी में स्विमिंग करने जा रहे हैं तो लो टाइड की वजह से हम सी में अंदर की साइड में बहुत डीप जा सकते हैं. इसीलिए स्विमिंग करते टाइम सी में स्विमिंग करते टाइम हमें यह याद रखना है कि ऑलवेज हम हाई टाइड के टाइम स्विमिंग करेंगे. सेकेंड है स्टेरिंग अ शिप. शिप कैन मूव अप टू द पोर्ट ड्यूरिंग हाई टाइड देयरफॉर वन मस्ट स्टेर अ शिप बाय टेकिंग इनटू अकाउंट द टाइमिंग ऑफ टाइड्स. थर्ड वन है फिशिंग. विद द हाई टाइड फिश मूव इनटू द क्रीक्स देयरफॉर फिशिंग इज लार्जली कैरिड आउट एट द टाइमिंग ऑफ हाई टाइड. फोर्थ वन है साल्ट पैंस. ड्यूरिंग द हाई टाइड सी वॉटर स्टोर्ड इन साल्ट पैंस वी कैन obtain salt from this water. High tide के time salt pan में water store हो जाता है और उस time हमें salt obtain करना भी easy जाता है. इसीलिए अगर हम salt pans का जो time है वो भी high tide के समय ही ठीक है. फाइव वन है going to coastal area for a trip. अगर हमें coastal area के बाहर trip में जाना है तो हमें कौन से time पे जाना चाहिए. उसका आंसर है व्हाइल गोइंग टू कोस्टल एरिया फॉर द ट्रिप वन मस्ट हैव डिटेल अबाउट द टाइमिंग ऑफ टाइड फिजिकल स्ट्रक्चर स्लोप ऑफ कोस्ट सडन डीप एरिया रॉकी एरिया स्ट्रीम्स नियर द कोस्ट बिफोर एंटरिंग द सी वाटर फॉर एंजॉयमेंट्स. ओके हमें एंजॉयमेंट करने से पहले कोस्टल एरिया का वहाँ पे हाई टाइड लो टाइड का सभी का हमें वहाँ पे फिजिकल स्ट्रक्चर का स्लोप का सभी का स्टडी करके बाद में हमें एंजॉयमेंट के लिए सी वाटर में एंटर करना है. क्वेश्चन नंबर 5 ऑब्जर्व फिगर 3.8 ऑफ नीप टाइड एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. आपकी बुक में जो 3.8 नीप टाइड की जो फिगर दी है उसको ऑब्जर्व करके इन क्वेश्चन के आंसर मुझे बताने हैं. क्वेश्चन फर्स्ट है विच फेज ऑफ मून डज इट शो. मून का कौन सा फेज वहां पे दिख रहा है आपको. द डायग्राम शोज द फेज ऑफ क्वार्टर मून. डायग्राम में क्वार्टर मून का फेज दिख रहा है. क्वेश्चन 2 व्हाट आर द रिलेटिव पोजिशन ऑफ द मून द सन एंड द अर्थ. यहाँ पे मून की सन की एंड अर्थ की रिलेटिव पोजीशन क्या है. द मून द अर्थ एंड द सन मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्री यानी कि राइट एंगल. क्वेश्चन 3 है व्हाट इफेक्ट विल इट हैव ऑन द टाइड. टाइड पे क्या इफेक्ट हो जाता है. ड्यू टू नीप टाइड द सी वाटर राइज इज अ लिटल लोअर देन द एवरेज हाई टाइड एंड द लिटल हायर देन द एवरेज लो टाइड. डिफरेंस बिटवीन हाई टाइड एंड लो टाइड. हाई टाइड एंड लो टाइड का डिफरेंस हमें यहाँ पे बताना है. यहाँ पे हाई टाइड लो टाइड. हाई टाइड फर्स्ट पॉइंट है उसमें राइज इन द लेवल ऑफ सी वाटर एट अ पर्टिकुलर प्लेस इज कॉल्ड हाई टाइड. पर्टिकुलर प्लेस की वाटर लेवल अगर राइज हो जाती है उसको हाई टाइड बोलते हैं.
और लो टाइड किसको बोलते हैं? फॉल इन द लेवल ऑफ सी वाटर एट पर्टिकुलर प्लेस इज कॉल्ड द लो टाइड। और पर्टिकुलर प्लेस की वाटर लेवल अगर फॉल हो गई उसको बोलते हैं लो टाइड। सेकेंड है, सी वाटर इज वेरी क्लोज टू द कोस्ट। हाई टाइड के टाइम सी वाटर कोस्ट के वेरी क्लोज आ जाता है। सेकेंड है, लो टाइड में सेकंड है, सी वाटर इज वेरी फार अवे फ्रॉम द कोस्ट। और लो टाइड के टाइम कोस्टल एरिया का जो वाटर है वो वेरी फार अवे जाता है। सेकंड डिफरेंस है स्प्रिंग टाइड एंड निप टाइड। स्प्रिंग टाइड में पहला है, इट ऑकर्स ऑन द न्यू मून डे एंड द फुल मून डे। स्प्रिंग टाइड न्यू मून डे एंड फुल मून डे के टाइम ऑकर होती है। निप टाइड, इट ऑकर्स ऑन द फर्स्ट डे एंड थर्ड क्वार्टर डे। निप टाइड फर्स्ट एंड थर्ड क्वार्टर डे के टाइम ऑकर होती है। सेकेंड है स्प्रिंग टाइड में, द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून एंड द सन एज वेल एज दैट ऑफ द अर्थ आर इन द स्ट्रेट लाइन एंड एक्ट इन द सेम डायरेक्शन। और निप टाइड में सेकेंड पॉइंट है, द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून एंड द सन आर एट द राइट एंगल। थर्ड पॉइंट है स्प्रिंग टाइड में, स्प्रिंग टाइड आर द लिटल हायर देन द एवरेज हाई टाइड एंड द लिटल लोअर देन द एवरेज लो टाइड। और लो टाइड के कंपेयर में लिटल लोअर हो जाती है। निप टाइड आर द लिटल लोअर देन द एवरेज हाई टाइड एंड लिटल हायर देन द एवरेज लो टाइड। क्वेश्चन नंबर 7, डिस्क्राइब द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट ऑफ टाइड्स। उसमें फर्स्ट है पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ टाइड, द टाइड क्लियर द वेस्ट एंड हेंस द कोस्ट बिकम क्लीन। कोस्ट का जो एरिया रहता है वो क्लीन हो जाता है टाइड की वजह से। सेकेंड है, पोर्ट डू नॉट गेट फिल्ड विद सेडिमेंट। पोर्ट सेडिमेंट से फिल नहीं होता है। थर्ड पॉइंट है, शिप कैन मूव अप टू द पोर्ट ड्यूरिंग हाई टाइड। हाई टाइड के टाइम शिप पोर्ट के वहां मूव होती है। ड्यूरिंग हाई टाइड सी वॉटर कैन स्टोर इन साल्ट पैन फ्रॉम विच साल्ट कैन बी ऑब्टेन। इस टाइम हम साल्ट ऑब्टेन कर सकते हैं। फाइव नंबर पॉइंट है, द टाइडल फोर्स कैन बी यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। टाइडल फोर्स की वजह से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। नेगेटिव इफेक्ट क्या है टाइड का? लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ टाइमिंग ऑफ हाई एंड लो टाइड मे कॉज एक्सीडेंट टू स्विमर्स एंटरिंग इन टू सी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। इफ यू लाइक माई वीडियो सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकॉन। लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।